राजस्थान चुनावों से ठीक पहले टॉप बीजेपी लीडर ओम माथुर ने बड़ा बयान दिया है। टाइम्स नाउ से बातचीत में माथुर ने स्वीकारा कि उनकी पार्टी में सब ठीक नहीं चल रहा। माथुर का दावा है कि अंदरूनी लड़ाई और एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद बीजेपी राजस्थान में सरकार बनाएगी। What about the anti-incumbency that seems to be extremely severe there? Correct, मैं मानता हूँ, है वो। आप मानते हैं anti-incumbency? हाँ, लेकिन जब पार्टी तैयार रहती है, नीचे बूथ तक जाने के लिए तैयार रहती है, आप कल्पना करिए कि राजस्थान में 55,000 बूथ है, 55,000 से समथिंग है, ठीक है, 55,000 बूथ से भी पिछली 4 अक्टूबर तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हर एक बूथ अध्यक्ष से और शक्ति केंद्र प्रमुख से 1-to-1 संवाद किया है। कोई दुनिया में ऐसी पार्टी? हम निश्चित ब्रेक करेंगे। मैं तो यूपी का प्रभारी था, हम वहाँ 47 थे सिर्फ जी। कोई मान नहीं, जब हमने 265 का नारा दिया, आप में से कोई भी चैनल ही नहीं, कोई दुनिया मानने को तैयार नहीं थी कि हम 265 भी करेंगे। लेकिन जब हम नीचे तक बूथ लेवल पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को एक्टिव किया और हमने सारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, स्वाभाविक रूप से 265 और चुनाव आते आते जब हमने अब की बार 300 पार का, तो आप लोगों ने हमारी मजाक उड़ाई। लेकिन 325 सीट लेकर के हम सरकार बना के आए। द इन फाइटिंग in the BJP when it comes to Rajasthan, the Rajasthan unit of the BJP has hurt the party. Is it not true, sir? मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि अध्यक्ष को लेकर के कुछ चर्चाएं चली, लेकिन आखिर ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक तरफ से ही निर्णय हो, सबकी राय करके निर्णय लिया, अच्छा निर्णय हो गया, हम सब लोग उनके साथ है। और इसलिए देखिए, ये विचारों की भिन्नता रहेगी, व्यक्ति की लाइकिंग डिसलाइकिंग भी रहेगी, लेकिन हमारी पार्टी संगठन की पार्टी है।